भारत में साबूदाना का उपयोग उपवास और व्रत में होता है, पूरे भारत में होता है। यह एक पेड़ से निकला हुआ, इसको सागो पाम नाम का पेड़ से निकाला जाता है, इसको कसावा बोलते हैं। ये देखने में शकरकंद जैसा लगता है और इसको पानी में धो कर करके रखा जाता है, फिर इससे ये मोतियों के समान साबूदाना बनाया जाता है। इस साबूदाने को बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। इसमें कैल्शियम है तो हड्डियां मजबूत होती है, इसमें आयनर है, आयरन है तो आपके एनर्जी मिलेगा, और इसमें विटामिन्स भरे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट है तो ये हमारे पाचन में भी सहायता करते हैं। तो व्रत और त्योहार में साबूदाने का प्रचलन है भारत में, और अधिकांशतः लोग व्रत और उपवास में साबूदाने खाते हैं। कुछ लोग इसको साबूदाना बड़ा बना करके खाते हैं, कुछ लोग साबूदाने का खीर बनाते हैं, तो कुछ लोग साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं। और ये साबूदाना बहुत सारे उपमा में यूज होता है। ये बनता कहाँ है? असल में ये जो पेड़ है ना, वो केरला और तमिलनाडु में बहुतायत में पाया जाता है और खाया जाता है ज्यादा नॉर्थ इंडिया में। पेड़ होता है तमिलनाडु में, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इसे बनाया जाता है। पर इसमें एक दिक्कत भी है कि वहां के जो फैक्ट्रियां हैं ना, वो जमीन में वो कसावा को, पाम सागो को सड़ा कर बनाया जाता है, तो ऐसे जगह का साबूदाना ना खाएं, वो वेज के जगह करते हैं, नॉन वेज हो जाता है। तो साबूदाना बड़ा ये पतंजलि का है, शुद्ध है, इसको बकेट में या बड़े बर्तन में रख कर करके पानी डाला जाता है 1 महीने, फिर इससे बनाया जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है और शुद्ध होता है। और जो फैक्ट्रियों से आता है वो उतना अच्छा नहीं होता, तो आप सावधान रहें, असली है, नकली है, शुद्ध है, उसका ध्यान रखें। तो ये पतंजलि का है, 500 ग्राम का है, थोड़ा महंगा, 65 रुपीज का है। मार्केट में 500 ग्राम आपको 40 रुपये में मिल जाएगा, और ये 65 है में, पर ये शुद्ध है, और व्रत उपवास में शुद्ध चीज खाना चाहिए, ना कि सस्ता के चक्कर में अशुद्ध चीज खा लें। तो साबूदाने व्रत उपवास में रखिए, साबूदाना क्या खिचड़ी खीर बड़े खाइए, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।